Welcome to Ushi's classes. Today's our topic is blood. Different question already we have done which are important in this chapter in life processes. Two or three questions are left only. After that your chapter has been completed. तो दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, वो भी हम डिस्कस कर लें जो कि इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट है ब्लड, मतलब ऑलरेडी वी हैव डन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और उसके बाद है ब्लड किसे कहते हैं और उसके टाइप्स. हम सभी जानते हैं ब्लड रेड कलर का होता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स जो ब्लड वेसल्स है उनमें फ्लो करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सेल को फॉर डूइंग डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं बॉडी में से. ठीक है, तो ब्लड की डिफाइन पहले, द रेड लिक्विड दैट सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. एक रेड लिक्विड है जो सर्कुलेट करता है आर्टरीज और वेन्स, ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. जिस रेड कलर का लिक्विड है जो आर्टरीज और वेन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एनिमल्स की बॉडी में फ्लो करता है उसे ब्लड कहते हैं. उसके बाद है ब्लड एंड इट्स टाइप. ब्लड के कितने टाइप है, नंबर वन रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड है व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसके बाद है प्लेटलेट्स. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. रेड कलर इज ड्यू टू अ प्रोटीन हीमोग्लोबिन. रेड कलर हमारे ब्लड का होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्लोबिन. हीम का मतलब ब्लड होता है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, इसलिए इसका नाम हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण. ठीक है, हीम ब्लड ग्लोबिन आ प्रोटीन. रेड ब्लड सेल्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं सेल्स में से. रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो. कहाँ पर बनते हैं, बोन मैरो में. बोन मैरो हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्पंजी टिश्यू है बोन मैरो, वो हमारी थाई बोन में, और उसके बाद हिप्स में प्रेजेंट होती है बोन मैरो. लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितना होता है, 120 डेज, मतलब 3 मंथ. जो रेड ब्लड सेल्स की लाइफ है 3 मंथ है इक्वल टू 120 डेज. तो इसलिए जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है, तो प्लीज ब्लड डोनेट कर देना 18 ईयर के बाद. ब्लड उसी का लिया जाता है बेटा जो हेल्दी होता है, और ब्लड डोनेट करने से कोई भी कमी नहीं आती बॉडी में भी, क्योंकि हमने पढ़ा है आफ्टर कि ब्लड सेल्स की लाइफ होती है 120 डेज, उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं बॉडी में. ठीक है, तो इनकी तो साल में हम 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मैम भी करते हैं. ठीक है, और इससे बड़ा कोई दान नहीं है अगर हमारी ब्लड की हेल्प से किसी की लाइफ बच जाए. नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स और लिकोसाइट्स. तो रेड ब्लड सेल्स का काम हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है डिफरेंट बॉडी सेल्स को फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज. और व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, अनदर नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट, बेटा जो व्हाइट ब्लड सेल्स जिसकी बॉडी में पूरे होते हैं वो पर्सन जल्दी बीमार नहीं होता. ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये एक डिफेंस का काम करते हैं फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, लड़ते हैं हमारी बॉडी में अगर अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए हैं तो उन्हें रिमूव करने का काम करते हैं, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं ताकि हम हेल्दी रहें. ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शियस डिजीज और फॉरेन इन्वेडर्स. हम जल्दी बीमार नहीं होंगे, और फॉरेन पार्टिकल्स बैक्टीरिया फंगस एल्गी मानव फूड पार्टिकल्स के साथ अंदर बॉडी में आ गई, तो व्हाइट ब्लड सेल्स अगर हमारी बॉडी में पूरे हैं तो उनके साथ ये पूरे फाइट करते हैं और हमें बीमार होने नहीं देते. व्हाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं. ल्यूकोसाइट्स मतलब ब्लड सेल्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. जैसे रेड ब्लड सेल्स है ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स भी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ब्लड सेल्स आल्सो प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बोन मैरो में बनते हैं. ल्यूकोसाइट्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी पूरे ब्लड में होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में. थर्ड है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है.
प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स, ये छोटे ब्लड सेल्स होते हैं दैट हेल्प आवर बॉडी फ्रॉम क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग. क्लॉट बना के खून बहना बंद हो जाता है, वो करती हैं प्लेटलेट्स. इफ वन ऑफ योर ब्लड वेसल गेट डैमेज, अगर आपकी एक भी ब्लड वेसल खराब हो गई, इट सेंड्स आउट सिग्नल दैट आर पिक्ड बाय अप बाय द प्लेटलेट्स. ठीक है, अगर आपकी इफ वन ऑफ योर ब्लड वेसल्स गेट डैमेज इज सेंड आउट सिग्नल दैट आर पिक्ड अप बाय प्लेटलेट्स. बेटा प्लेटलेट्स का काम होता है आपके कभी चोट लग जाए तो ब्लड का फ्लो होना टाइम पर बंद हो जाए, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स पूरे प्रेजेंट है. अगर नहीं बंद होगा तो इसका मतलब आपको वो डेफिशिएंसी है कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं बन रहे या कम जाता है. प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को क्लॉट प्रोवाइड करना, ब्लड क्लॉटिंग करना टाइमली. ठीक है, ताकि हमें हमारी बॉडी को किसी बड़े डैमेज से बचा सके. उसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई भी वेसल, कोई भी ब्लड वेसल डैमेज है तो उसे रिपेयर करने का भी काम प्लेटलेट्स करते हैं. उसके बाद फोर्थ है बेटा प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा का भी काम होता है हमारी बॉडी में. प्लाज्मा क्या होता है बेटा, ब्लड में से ही निकाला जाता है वो. 55% प्लाज्मा हमारी ब्लड में होता है. प्लाज्मा क्या होता है, जो हम प्रोटीन्स खाते हैं उसका डाइजेशन, कैल्शियम का. ठीक है, उसका डाइजेशन के दौरान जो पावर बनती है उसे प्लाज्मा कहते हैं. ठीक है, जैसे अब कोरोना वायरस में भी प्लाज्मा कह रहे हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन ठीक हो गए अगर वो अपना ब्लड मतलब प्लाज्मा दे दें तो उससे दो पेशेंट और ठीक हो सकते हैं. प्लाज्मा कहाँ पर होता है, रेड ब्लड सेल्स में ही. ठीक है, हमारे खून में ही प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा बाकी हमारे खून में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं 45%, और जो प्लाज्मा बनता है रेड ब्लड सेल में वो 55% होता है. मैंने बताया आपको प्रोटीन्स के डाइजेशन के दौरान और कैल्शियम के दौरान जो पावर बनती है 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, और वो येलो कलर का होता है. वो पावर होती है ब्लड की जो कि हेल्प करती है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, कि मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसे ब्लड से भी ज़्यादा जरूरी होता है प्लाज्मा रिकवर करने के लिए. अगर कोई बीमार है अगर उसे प्लाज्मा चढ़ा दें. ठीक है, तो अगर प्लाज्मा पर नोट आ गया तो आप लिख दोगे प्लाज्मा इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इट कंटेन्स कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड 55% ऑफ आर ब्लड. ठीक है, उसके बाद है आफ्टर दैट प्लेटलेट्स के बारे में भी आप सबने पढ़ लिया होगा ना प्रॉपर. प्लेटलेट्स आर द टाइनी ब्लड सेल्स दैट हेल्प आवर बॉडी फ्रॉम क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग. इफ वन ऑफ योर ब्लड वेसल गेट डैमेज इट सेंड्स आउट सिग्नल दैट आर पिक्ड बाय प्लेटलेट्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम का इतना नहीं पूछा जाता 10th में, लेकिन कई बार डिफरेंस आ जाता है लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ बनता है बेटा, जैसे ब्लड होता है ना ऐसे ही लिम्फ भी होता है. यहाँ पर ब्लड का वर्क नहीं होता, कई बार वो वर्क लिम्फ करता है. यहाँ पर ब्लड नहीं पहुंचता, वहां पर ब्लड लिम्फ पहुंच जाता है. ठीक है, लिम्फ जस्ट लाइक योर ब्लड, ब्लड की तरह ही होता है, लेकिन ब्लड थोड़ा थिक्कर होता है, ये वॉटर की तरह होता है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ इज अ कलरलेस लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, कलरलेस लिक्विड है. ठीक है, इट हैज सेल्स कलेक्टेड इन द लिम्फेटिक कैपिलरीज. सेल्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में जो कलेक्ट हो जाते हैं कैपिलरी में. इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट होती है. इट्स फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, जो ब्लड का फ्लो है वो मल्टी डायरेक्शनल है. हार्ट से बॉडी की तरफ भी ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज के थ्रू, और वेन्स वापस ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में से ब्लड के पास. इसके बाद ही लिम्फेटिक सिस्टम का वर्क सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में ही. कैसे, इट फ्लो फ्रॉम बॉडी टू हार्ट. ये बॉडी से हार्ट की तरफ फ्लो करता है लिम्फ, जस्ट लाइक ब्लड की तरह ही होता है. ये जो ब्लड है मल्टी डायरेक्शनल है. ठीक है, लेकिन जो लिम्फ है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में ही मूव करता है बॉडी से हार्ट की तरफ.
उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे हमने ब्लड में पढ़ा रेड ब्लड सेल्स होते, व्हाइट ब्लड सेल्स होते, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से हैं जिसमें बनता है लिम्फ? स्प्लीन है, स्प्लीन आपका प्रेजेंट होता है स्टमक के पीछे, थाइमस ग्लैंड हार्ट के पीछे, और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। एब्सेंट कहाँ पर होता है लिम्फेटिक ऑर्गन्स? ब्रेन में, आई बॉल में, स्पाइनल कॉर्ड में, इंटरनल ईयर में, बोन मैरो में, ठीक है। उसके बाद मेन है लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस आ जाता है कई बार, ठीक है। ये भी अगर आपको नोट लिखना आ गया एग्जाम में तो आप नोट भी लिख सकते हो, नहीं तो आप एज इट इज ही एक पैसेज की तरह लिम्फ के बारे में लिख सकते हो या ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड के बारे में तो हम पहले ही कर चुके हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी आप लिख सकते हो। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, डज नॉट कंटेन आरबीसी। लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते, रेड कलर नहीं होता, कलरलेस हमने पढ़ लिया है। कलरलेस फ्लूइड डज नॉट कंटेन आरबीसीज का मतलब रेड कलर ही है, रेड ब्लड सेल्स, और ब्लड आपको पता रेड कलर्ड होते हैं, फ्लूइड दैट कंटेन आरबीसीज। उसके बाद सेकंड है इट कंटेन प्लाज्मा। लिम्फ में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, सिर्फ आरबीसीज नहीं होते ब्लड में। इट कंटेन प्लाज्मा, आरबीसीज, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। उसका लिम्फ का काम क्या है? इट एक्ट लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी हमारी बॉडी को बचाता है बीमारियों से। ब्लड का काम क्या है? इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ गैसेस। ब्लड का काम क्या है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। उसके बाद लिम्फ इट्स प्लाज्मा लैक प्रोटीन। लिम्फ के प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं होते, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, लिम्फ इट्स प्लाज्मा लैक प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स नहीं होते। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इसमें, मतलब प्लाज्मा सॉरी इसके प्लाज्मा में, लिम्फ के प्लाज्मा में प्रोटीन्स नहीं होते, कैल्शियम फॉस्फेट सब कुछ होता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं पूरी बॉडी को। और ब्लड में इट्स प्लाज्मा कंटेन, ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और फॉस्फेट भी होता है, ठीक है। उसके बाद लिम्फ द फ्लो ऑफ लिम्फ का फ्लो स्लो होता है एज कम्पेयर टू ब्लड, द फ्लो ऑफ ब्लड इज हाई और फास्ट, ठीक है। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया। उसके बाद है बेटा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ओपन एंड क्लोज टोमेटो के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है बेटा, आपको पता ही है, आप डायग्राम बनाते हुए भी लिखोगे ओपन एंड क्लोज टोमेटो। अगर आपको पेपर में ओपन और क्लोज टोमेटो का आ गया तो आपको उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ओपन एंड सॉरी क्लोज टोमेटो, मैंने अकेला टोमेटो नहीं दिया था, ओपन एंड क्लोज टोमेटो। बेटा टोमेटो ओपन होते हैं दिन के टाइम, दिन में, क्यों? दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्रोसेस है पौधों में वो किस में होता है? टोमेटो। टोमेटो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स की साइड पर, अंडर साइड ऑफ लीव्स, ठीक है, वेयर एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अकर्स। दिन के समय जो पौधे एनवायरमेंट में से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए। और इसलिए जो उनके जो ये गार्ड सेल्स होते हैं ओपन हो जाते हैं दिन के समय, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है बेटा? ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, और ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी। क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन कलर का अगर पौधा होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है, अगर येलो कलर का है इसका मतलब वो पौधा डेड है, ठीक है। तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं दिन में, ओपन पोर, गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं टोमेटो प्रोसेस करने के लिए, ओपन होने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए गार्ड सेल्स होते हैं टोमेटो में, जो हेल्प करते हैं टोमेटो को ओपन करने में, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और जो क्लोज्ड पोर है ये क्लोज हो जाता है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा हो जाता है, या रात में आप बोल सकते हो क्लोज्ड पोर। ये देखो ये जो चीज है ये ओपन हो गई है दिन के समय और इधर श्रिंक हो गई और बंद हो गई है, इसका मतलब ये क्लोज्ड पोर है, ये ओपन स्टोमेटा है,
ये क्लोज स्टोमेटा भी आप लिख सकते हो, क्लोज्ड पोर भी और क्लोज्ड स्टोमेटा भी लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, इतना ही बहुत है कि आप लिखोगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द गार्ड सेल्स विच आर हेल्पफुल फॉर देयर ओपनिंग एंड इफ गार्ड सेल्स आर ओपन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट हेल्प्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने रिटर्न में भी लिखा हुआ है ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर इन द गार्ड सेल्स बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट होगा तो ही गार्ड सेल्स हेल्पफुल होंगे। द सोल्यूबल शुगर जो खाना बनता है दिन के दौरान पौधों में डिक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स एंड दिस रिजल्ट इन अपटेक ऑफ वाटर बाय गार्ड सेल्स। दिन के समय वाटर ले लेते हैं, ठीक है, जो पौधे हेल्प करते हैं वाटर को यूटिलाइज करने में खाने में। दिन के समय क्या होता है गार्ड सेल्स ले लेते हैं इस वाटर को विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मल सेल्स होते हैं पौधे में तो उसके कारण द गार्ड सेल बिकम टर्जिड एंड स्टोमेटा ओपन। गार्ड सेल्स ब्रॉड हो जाते हैं, खुल जाते हैं प्रॉपर और स्टोमेटा भी ओपन हो जाता है। ड्यूरिंग द नाइट द रिवर्स प्रोसेस अकर्स, रात को रिवर्स प्रोसेस होता है एंड लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एज टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जिसके कारण क्या होता है स्टोमेटा जो पोर्स है वो क्लोज हो जाते हैं। टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है दिन के समय और डिक्रीज होता है रात के समय जिसके कारण स्टोमेटा पोर्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने ये सारा नहीं लिखना जैसे मैम ने बोला है तो उसके अकॉर्डिंग गार्ड सेल्स डिपेंड होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऑफ स्टोमेटल पोर्स ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, विच आर हेल्पफुल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड ड्रॉ ऑल्सो अ डायग्राम विद योर आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका राइट होगा। उसके बाद है बेटा, कुछ बच्चों ने मेरे को बोला था कि मैम कि हमें हार्ट का डायग्राम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देना, तो मैं वो एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसको नहीं समझ आया। बाकी ओवरऑल आपका चैप्टर खत्म हो गया है, इतना भी कर लोगे इस चैप्टर में बहुत है। ठीक है, तो एक सिस्टम तो मैंने पहले ही बताया था आपको आना है, उसके बाद हार्ट का डायग्राम। बेटा देखो हार्ट में क्या होता है, ब्लड एंटर करता है राइट एंटीरियम में किसकी हेल्प से, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से। ठीक है, उसके बाद ट्राइकस्पिड बाल्व, मैंने आपको ये लिखवाई थी ट्राइकस्पिड बाल्व है, ये देखो इधर लिखी हुई है ट्राइकस्पिड बाल्व की हेल्प से। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, राइट वेंट्रिकल में जब पूरे फ्लो के साथ ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट ऑरिकल में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैंने पहले भी बताया, ये मतलब नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कम होती है बेटा। ठीक है, तो राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे फ्लो के साथ आता है, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाती है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ठीक है ये ब्लड भेजा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर लेके जाती है इस ब्लड को, लंग्स में प्योरीफाई करने के लिए। पल्मोनरी का मतलब भी मैंने बताया था आपको कि लंग्स होता है, पल्मोनरी आर्टरी में लेके जाती है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाती प्योरीफाई होने के लिए। फिर राइट ऑरिकल में जैसे ही ब्लड आता है तो पल्मोनरी वेन की हेल्प से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पहले पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाती है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में जब पूरा प्योर हो जाता है तो पल्मोनरी वेन इस ब्लड को लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पूरा प्योरीफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड बन जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन लेके आती है इस ब्लड को तो लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने आपको बताया था एओर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की, पूरी बॉडी में ये स्प्रेड कर देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगेन। ठीक है, हमारे हार्ट में ब्लड आता है पहले, ठीक है, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा से। ठीक है,
ब्लड एंटर करता है हार्ट में सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से राइट ओरिकल में, राइट ओरिकल में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व है उसके थ्रू ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में, फिर प्योरीफाई करके लेफ्ट ओरिकल में आता है, लेफ्ट ओरिकल से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देती है। जब पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर ये ब्लड जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो करता है। आई थिंक गाइस समझ आ गया होगा आपको सारा चैप्टर, फिर भी नहीं समझ आया तो बेटा प्लीज कमेंट में लिख देना और बार बार सुनना मैम की वीडियो को तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स, स्टे सेफ एट होम, डू डेली योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है, स्पीक लो, कम बोलो, कम खाओ और मेडिटेशन ज्यादा करनी है, हेल्दी खाना है, ठीक है, और अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही देखना है, इससे आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।